सो गाइज, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसे स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग वीडियो जो 2023 का सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बिकने वाला फ़ोन है, जो कि 5G का फ़ोन है, जो कि है हमारे पास वीवो का T2X, जो कि मोस्ट डिमांडेबल ऑफ द ईयर ऑफ द फ़ोन हो चुका है दोस्तों। तो क्या इसका स्पेसिफिकेशन है और किस प्राइस में आपको ये फ़ोन आता है जो इतना डिमांडेबल फ़ोन है, और 5G आप अपने लिए 10 से 15 हज़ार तक के बीच में अगर आप फ़ोन खोज रहे हैं तो ये फ़ोन आपके लिए है या नहीं, खैर डिसाइड करना जो आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपके लिए है या नहीं। हम सिर्फ स्पेसिफिकेशन बताएंगे और प्राइस बताएंगे और लुक एंड डिज़ाइन और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देरी के इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास मेरे हाथ में वीवो का T2X का डब्बा, जो कि इस प्रकार का बॉक्स पैकिंग आपको मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ की हाईलाइट पॉइंट है जो आपको हम बैक में आपको दिया वो हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रैम 3.0 मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिल जाता है और 5 mAh की बैटरी है। और जो वेरियंट है दोस्तों वो मेरे पास है 6GB 128GB इंटरनल और कलर का नाम है अरोड़ा गोल्ड। तो बस बॉक्स में इतना ही दोस्तों, जल्दी से इसका अनबॉक्स करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट कंटेंट दोस्तों जो हमारे पास है वीवो का, ये दोस्तों फ़ोन, ये रहा हमारे दोस्तों हाथ में सिलिकॉन बैक कवर, जो कि ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी सॉफ्ट है, जो बैक से आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये कुछ मैनुअल की गाइडलाइन, Type-A to Type-C केबल। और ये रहा हमारा चार्जर वीवो का 9V 2A, यानी कि मैक्स 18W का ये आपको चार्ज करेगा, यानी कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा फ़ोन दोस्तों इसको चार्ज करने में। तो बढ़ते हैं दोस्तों फाइनली हमारे फ़ोन की तरफ, जो कि दोस्तों काफ़ी स्लिम है दोस्तों। लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी ख़तरनाक दिया है, क्योंकि आपको बॉक्सी डिज़ाइन के साथ बैक में ग्लास पैनल आपको मिल जाता है, वो भी AG मैट फिनिशिंग के साथ। कहीं से भी आपको हाथ का दाग इसमें, माने कि फिंगरप्रिंट का दाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है AI कैमरा के साथ, और कुछ इस प्रकार का लुक एंड डिज़ाइन मिल रहा है। कलर आपको काफ़ी बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल फ़ोन का लुक एंड डिज़ाइन कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बॉक्सी डिज़ाइन आपको मिल जाता है दोस्तों ये फ्रेम, प्लस साइड में आपको फ्रेम भी मिल जाता है, साइड में आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर, और यही पावर बटन आपको ये काम करता है दोस्तों। और ऊपर अप एंड डाउन का ये वॉल्यूम डाउन मिल जाता है, प्लस यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है, जो कि डेडिकेटेड स्लॉट के साथ नहीं आता दोस्तों, यानी कि एक सिम के बाद आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, यानी कि 2 सिम प्लस मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते हैं। नीचे की साइड में आपको Type-C का चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक, और यहाँ स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल फिजिकल ओवरऑल की बात के बाद अब बढ़ते हैं दोस्तों फाइनली इसके डिस्प्ले की तरफ। तो कंपनी ने यहाँ पे आपको 6.58 इंच के साथ IPS पैनल स्क्रीन दिया हुआ है, वो भी 60Hz के साथ। एक चीज़ का कमी है दोस्तों, मात्र 60Hz का, लेकिन डिस्प्ले का क्वालिटी है, जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है दोस्तों, आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा दोस्तों, यानी कि इसका डिस्प्ले का ब्राइटनेस आपको हम दिखा देते हैं, जो आपको आउटडोर विजिबिलिटी में और इनडोर कंडीशन में कहीं भी आपको कोई चीज़ का दिक्कत महसूस नहीं होगा दोस्तों। प्लस टच रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट है, जो कि आपको किसी अदर फोन के कंपेरिजन में काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स करता है। और डिस्प्ले का कलर जो दिया हुआ दोस्तों, आपको काफ़ी पंची मिल जाता है। ओवरऑल मीडिया, तो ओवरऑल मल्टीमीडिया आपको इसमें, आप करते हैं वीडियो, देखते हैं मूवी, देखते हैं गेम खेलते हैं, तो आपको कहीं भी इससे कोई चीज़ का नेगेटिव वगैरह आपको नहीं दिखेगा। बेजल थोड़े और पतले हो सकते थे दोस्तों, लेकिन ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। तो ये डिस्प्ले क्वालिटी हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके हार्डवेयर पार्ट्स की तरफ। तो कंपनी ने इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है वो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर आपको मिल जाता है, जो कि MediaTek का Dimensity 6020 प्रोसेसर है, जो कि आपको 2.2 GHz के क्लॉक स्पीड पर आपको काम करता है दोस्तों, जो कि आपको नॉर्मल आपको परफॉर्मेंस आपको दे देगा बेहतरीन के साथ। नॉर्मल एवरेज आप टाइप का आप गेमिंग कर सकते हैं, नॉक पबजी टाइप का नॉर्मल आप गेमिंग कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 के साथ है। और जो वेरिएंट आता है दोस्तों, टोटल इसमें 3 आता है, 4GB 128GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB। और जो मेरे पास जो वेरिएंट है 6+6 12GB वाला है, यानी कि आप इसमें जो भी वेरिएंट वाला फ़ोन लेते आप लेते हैं उसमें 4GB लेते हैं तो उसमें 4GB बढ़ेगा, 6GB वाला लेते हैं तो इसमें 6GB बढ़ेगा आपको दोस्तों, और 8GB में 8GB बढ़ेगा। तो टोटल वर्चुअल रैम का आपको खेल चल रहा है दोस्तों, जनरली आप वही 6 को 6 ही मानिए। 128GB इंटरनल है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस हम आपको बता देते हैं, मात्र 12,000 में आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है 4GB 128GB इंटरनल, और 13,000 में आपको दोस्तों मिल जाता है 6GB RAM 128GB इंटरनल। और इसका जो 8GB वाला है दोस्तों, वो मिलता है दोस्तों आपको 16,000 में 8GB 128GB दोस्तों। तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके फाइनली कैमरा की तरफ, जो इसका मेन हाईलाइट कैमरा भी है इसका। तो फ्रंट कैमरा की बात किया जाए दोस्तों,
तो यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों फ्रंट में मात्र 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो भी पोर्ट्रेट मोड के साथ। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है दोस्तों। हमने कुछ पहले से पिक्चर क्लिक कर चुके थे तो वो आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों। जैसा कि आप कैमरा देख रहे हैं, फ्रंट कैमरा से खींचा हुआ है, वो भी पोर्ट्रेट मोड में। तो कैमरा का कलर सेचुरेशन और डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर करता है। वही नॉर्मल मोड में हमने खींचा है। तो कैमरा क्वालिटी फ्रंट कैमरा कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स जो बताइए। और ये रहा बैक कैमरा से आपको 50 मेगापिक्सल पे पोर्ट्रेट मोड में खींचा हुआ दोस्तों, और डिटेलिंग के साथ आपको काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड को एडजस्ट करके एज डिटेक्ट करता है। कहीं से भी आपको कोई चीज़ का मिसमैच नहीं मिलेगा। ये हमने नॉर्मल मोड में खींचा हुआ दोस्तों। और इसमें कैमरा क्वालिटी बैक कैमरा कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें और ढेर सारे मोड मिल जाते हैं, जैसे कि बैक में आपको बैक एंड फ्रंट दोनों में नाइट मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड तो है ही दोस्तों। वीडियो रेजोल्यूशन की बात किया जाए तो बैकग्राउंड में आप 1080p 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि अभी तक इस प्राइस रेंज में किसी भी ब्रांड के पास 1080p 60fps वीडियो का रिकॉर्ड नहीं मिलता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वहीं फ्रंट कैमरा की बात किया जाए तो यहाँ पे आप 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और 720p में भी 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीलॉग मूवी मिल जाता है, यानी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने का शौकीन रखते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक से मोड आपको दिया हुआ है। मोड ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 50 मेगापिक्सल पे फोटो क्लिक कर सकते हैं। पैनो है, लाइव फोटोज है, स्लो मोशन है, टाइम लाइफ मिल जाता है, प्रो मोड और डॉक्यूमेंटेशन का आपको इसमें फ़ोटो खींचने के लिए आपको ढेर सारे मोड मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो पैकेज आपको मिलता है दोस्तों काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और हमने जो प्राइस बताया था दोस्तों थोड़ा गलत है, 13,000 में 4GB 128GB, 14,500 में 6128 और 16,000 में 8GB रैम 128GB इंटरनल के साथ आपको ये फ़ोन आता है दोस्तों। तो अगर आप ये फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आँख बंद करके ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल 5G चिपसेट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये लगभग आपको, हम आपको बैंड भी दिखा देते हैं कितने बैंड सपोर्ट करते हैं यहाँ पे आपको दोस्तों। यहाँ पे लगभग आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बैंड सपोर्ट करते हैं। डुअल बैंड 5G वाला फ़ोन है, तो 5G के कनेक्टिविटी के बारे में आपको कोई चीज़ का इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों फाइनल वीडियो की तरफ। तो आप ये दोस्तों अगर आप अपने 13 से 14 हज़ार का फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन फ़ोन होने वाला है, क्योंकि ये फ़ोन मोस्ट डिमांडेबल फ़ोन है। अगर आप फ्लिपकार्ट इसका रेटिंग भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन आप बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपका बजट 12 से 15 हज़ार का फ़ोन आप लेना चाहते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा क्या आपको इसमें अच्छा लगा, और किस इस फ़ोन को किस फ़ोन से आप कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और अपना ख्याल रखें दोस्तों।